Dear students, it's class 11th and our today's topic for political science is election methods with special reference to India. यानी कि इलेक्शन कराने के जो तरीके हैं तो इसका हम खास जिक्र इसको मरकज बनाएंगे हिंदुस्तान को, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ की कंट्री को डिवाइड किया गया एक सिंगल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो जिनका साइज एज पर देयर साइज साइज उनका बराबर होना चाहिए. मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टेरिटरी को मुनकसम किया गया साइज के हिसाब से, और वोटर्स को ये हक दिया गया कि वो किसको वोट डालेंगे, और सिंगल कैंडिडेट चुन के आना है, और किस तरह चुन के आएगा, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो यहाँ कर सकता है. अगर हालांकि अगर वो नसब से भी कम वोट्स लाए तो उसका जो भी ज़्यादा वोट लेगा वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो एक विनर है. और इस ये जो सिस्टम है इसको एक नाम दिया गया प्लूरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो ये एक सिस्टम था जिसको कि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, कि एक कैंडिडेट को चुना जाता है, जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट हासिल कर सकता है उसको विनर के नाम विनर का खिताब दिया जाता था. तो इसके मेरिट्स भी है इस सिस्टम के, यानी कि इसको ऑपरेट करना बहुत ही सादा है, इट इज़ इजी टू ऑपरेट. और एक दूसरा इसका मेरिट ये भी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान एक लिंक सा रहता है, यानी कि एक लिंक इज फार्मड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इसके बाद इसका और एक बेनिफिट भी है कि गवर्नमेंट जो फार्म होती है इसके पास एक क्लियर मैंडेट होता है कि वो कौन सा डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट चुन के आती है. ये इसका इसके मेरिट्स हैं. इसके डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि बहुत से वोट्स ऐसे भी हम आज भी देखते हैं, ऐसे भी बहुत सारे वो वोट्स होते हैं जो कि वेस्ट वोट्स होते हैं. हालांकि ये ज़्यादातर वही वोट्स होते हैं जो लूज कैंडिडेट को पड़ते हैं, इनको जहाँ आज हम वेस्ट वोट के नाम से जानते हैं. इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट जिसको कि माइनॉरिटी का सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी होती है वो अंडरमाइन करती है ये कि ऑन व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट फंक्शंस. और इन सच ए सिस्टम सम सोशल ग्रुप्स ऑफ स्पेशली माइनॉरिटीज मे गो अंडर रिप्रेजेंटेड, यानी कि उनको जो स्पेशल माइनॉरिटी ग्रुप होता है उनके पास ज़्यादा इसमें मतलब एक शेयर नहीं मिलता है. तो ये फर्स्ट पास फास्ट पोस्ट सिस्टम इंडिया जो है इंडिया में जो इसका ये सिस्टम है, इन इंडिया अंडर दिस सिस्टम मैनी फीचर्स सच एज दैट वी हैव अडेप्टेड इज एज फॉलोज. हमें ये पता है कि आज भी हम ये जानते हैं कि हमारी कंट्री में इसको मतलब 533 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर पॉपुलेशन हमने इसको तकसीम किया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि मरकजी हुक्म जो हम चुनते हैं हमारे पास एमपीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होते हैं हमारे पास 543. तो नेचुरली जितने एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे उतने हमारे पास मेंबर भी चुन के आते हैं. तो इसी तरह हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, यानी कि अगर हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी 543 होंगे. और इन दिस सिस्टम जो भी कैंडिडेट
डिक्लेयर होगा, उसको ज्यादा वोट्स तो नेचुरली मिलते ही है। और विनर जो होता है उसको ये जरूरत नहीं होती कि वो मेजॉरिटी वोट ले, इसको सिर्फ एक कंडीशन ये होती है कि वो ज्यादा वोट ले, जो उसके अगेंस्ट होगा उससे कितने भी वोट ज्यादा ले उसको वो फिर चुन के आता है। तो जो जो होता है FPTF यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिंस इन द इलेक्टोरल बैटल, इलेक्टोरल बैटल जो है, द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स, या जो कैंडिडेट दूसरों के मुकाबले में आगे चलता है, आर हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर, ये तो हमें मालूम है। तो इसको हम पहले भी मैंने बताया कि इसको प्लुरलिटी सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मेथड को प्रस्क्राइब किया है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक खाका भी आपको बता सकते हैं कि जो हमने 1984 का इलेक्शन यहाँ कराया हिंदुस्तान में, हमने एक केस स्टडी यहाँ पे आपको बताने में जा रहा हूँ कि ये जो वोटर्स एंड सीट्स वोन बाय मेजर पार्टीज इन 1984, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जो मरकजी पार्टियां हैं, मिसाल के तौर आज भी हम देखते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इस समय 1984 में हमारे पास पार्टी क्या थी और सीट्स किसके पास कितनी थी। मिसाल के तौर पर उस टाइम हमारे हम 1984 की बात करते हैं, तो हमारे पास उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो नेचुरली ज़्यादा वोट शेयर उन्होंने लिया था उस टाइम, तो उनके पास सीट्स थी 415। इसके बाद दूसरा नंबर था बीजेपी का, तो उनके पास 2 सीटें थी। इसी तरह जनता दल, तो उनके पास 10 सीटें थी। लोक दल 3 सीटें थी। CPIM 22 सीटें थी उनके पास। इसी तरह तेलुगु देशम 30 सीट्स, DMK इसी तरह 2 सीट्स, AIADMK तो साउथ की पार्टियां हैं 12 सीट्स, अकाली दल 7 सीट्स, AGP 7 सीट्स। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं, ये जो 1984 का ये एक डेमोक्रेसी की जीत थी, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे एक पावर में 415 सीट्स जीतने के बाद पावर में आ गई, और 80% ऑफ द सीट्स विच मार्कड ए न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा वेंट इन द पॉकेट ऑफ कांग्रेस। तो हम ये जानते हैं कि ये था हमारे पास जो हम ये एक हमारे पास जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया, जो हमारे इलेक्शन मेथड्स थे, तो इसका हमने जिक्र किया है। इसके बाद हमारा कल का टॉपिक जो होगा वो कल हम देखेंगे।